Hello learners, this is a video lecture on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on automobile suspension, wheel and tire. Our CO for this video lecture will be select suspension system for different applications. So after completion of this chapter, we will be able to select the suspension system for front wheel or for front axle or rear axle in a different vehicle under a different condition. So alag alag vehicle mein alag alag type ke suspension ki zarurat padti hai. For example, ki agar aap two wheeler ki baat kar rahe hain, suspension system alag hoga. Four wheelers mein, LMVs mein alag hoga aur heavy vehicles mein suspension system डिफरेंट होता है. इवन फ्रंट एक्सेल और रेयर एक्सेल में भी सस्पेंशन सिस्टम अलग अलग होता है. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है. वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम क्या होंगे. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू define the given terms related to given suspension system. So किसी भी suspension system में different terms related होती है. कुछ basic terms होती है, जिस प्रकार से moment होता है, उसका performance होता है, उससे related कुछ terms होती है. तो terms क्या होती है उसके बारे में हम लोग इस video lecture में देखेंगे और सीखेंगे कि इन सारे terms का significance क्या होता है. उसके बाद select relevant suspension system for the given application with justification. हम लोग different type के suspension system के बारे में पढ़ेंगे कि इनका construction किस तरह से होता है, किस तरह से ये suspension system काम करते हैं और किस तरह से इनका selection किया जाता है किसी एक particular application के लिए. So ये video lecture की पूरी series, ये chapter पूरा करने के बाद हम ये select कर पाएंगे किसी ऑटोमोबाइल सिस्टम के लिए किस प्रकार से सस्पेंशन सिस्टम डिसाइड किया जाता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम. तो हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सीखेंगे, तो हम ये भी सीख जाएंगे कि उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है. तो ये थे वीडियो लेक्चर के इस पर्टिकुलर चैप्टर के लर्निंग आउटकम. सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग क्या होगी. तो पीओ वन यहाँ पर हम लोगों ने मैप किया है क्योंकि जो मोमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज अ बेसिक नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो इसीलिए हमने पीओ वन मैप किया जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. उसके बाद आता है पीओ फोर है इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस. तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, तो इसीलिए पीओ फोर भी यहाँ मैप किया गया है. उसके बाद जो नॉलेज हम लोग गेन करने वाले हैं, इट इज वेरी यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ. आप किसी भी फील्ड में काम कीजिए तो ये कंपोनेंट, ये जो चीज है, ये आपको यूजफुल होगी. सो इसीलिए पीओ सेवन मैप किया है. और लास्ट पे पीएसओ टू मैप किया है क्योंकि वी हैव टू परफॉर्म दी सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज सस्पेंशन सिस्टम व्हील्स एंड टायर. तो इसीलिए पीएसओ टू भी मैप किया हुआ है. So this is all about the learning outcome for this video lecture. So सबसे पहले सीखने की समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटोमोबाइल सस्पेंशन क्या होता है, इनकी जरूरत क्या होती है ऑटोमोबाइल में. अब देखिए ऑटोमोबाइल का जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है और ऑटोमोबाइल जिस तरह से रोड पे चलता है, तो रोड पे जब कॉन्टैक्ट में आती है तो ऑटोमोबाइल के जो व्हील्स है वो रोड के कॉन्टैक्ट में आते हैं और ये जो व्हील है वो रोड के कांटेक्ट में जब आते हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है कि जो व्हील्स होते हैं आपके वो इस एक्सल के ऊपर माउंट होते हैं. उसके बाद ये एक्सल के ऊपर हमारे व्हीकल की बॉडी माउंट की हुई होती है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्सल है और ये एक्सल के ऊपर यहाँ पर आपके व्हीकल की बॉडी इस तरह से माउंट होती है जिसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं और सारे पैसेंजर भी बैठते हैं. तो आपके व्हीकल का पूरा वेट है वो अल्टीमेटली इन सस्पेंशन के थ्रू इस एक्सेल के ऊपर आता है. ये सस्पेंशन के थ्रू एक्सेल के ऊपर आएगा और फिर व्हीकल के व्हील के ऊपर आएगा और डायरेक्टली
ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली सस्पेंशन का अरेंजमेंट होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका व्हीकल किसी रोड पे चलता है तो रोड हमेशा एक जैसे नहीं होती है, रोड की जो कंडीशन है वो कभी इवन होती है, कभी अनइवन होती है, कभी रफ सरफेस होती है, यानी जिस रोड पे हम लोग व्हीकल चला रहे हैं वो कभी फ्लैट रहता है, कभी उस रोड पे गड्ढे होते हैं, कभी पथरीली जमीन होती है, कभी स्पीड ब्रेकर होती है, और ये हमेशा चेंज होते रहता है। सो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग जो पैसेंजर है या फिर जो व्हीकल के कंपोनेंट है इनको ये जो इरेगुलरिटी है रोड सरफेस की उससे बचाए, यानी ये जो वेट यहाँ पे आपके व्हीकल के ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर ये रोड से आने वाले जो शॉक्स है उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है, यानी ये जो जर्क आने वाले है, जो झटके आने वाले है, ये आपके डायरेक्टली व्हील पे या व्हीकल की बॉडी पर नहीं चले जाने चाहिए। अगर ये यहाँ पे चले जाएंगे तो क्या होगा, जो पैसेंजर बैठे हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, जो कंपोनेंट आपके लगे हुए है उनके ऊपर रोड के जो शॉक्स है वो डायरेक्टली एक्ट करेंगे एंड इट मे पॉसिबल कि वो डैमेज हो जाए, और वो डैमेज नहीं होना चाहिए, आपके पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजों को बचाने के लिए आपके व्हीकल की बॉडी और सस्पेंशन, आपके व्हीकल की बॉडी और व्हील्स के बीच में हम लोग सस्पेंशन लगाते हैं। सस्पेंशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको यहाँ पे दो सस्पेंशन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक लीफ स्प्रिंग दिखाई दे रहा है और ये दूसरा कंपोनेंट यूज किया हुआ है जिसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। तो सारी चीजें आपकी देखी हुई है, लेकिन किस तरह से काम करती है वो हम अभी इन चैप्टर्स में सीखेंगे। सो यहाँ क्या होता है, जब हम सस्पेंशन जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, वो आपके व्हीकल की बॉडी और एक्सेल या व्हील के बीच में हम लोग यहाँ पर माउंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये आपके पैसेंजर को डिपार्टमेंट कंपार्टमेंट को आपके व्हीकल के कंपोनेंट्स को जो रोड शॉक है उससे बचाने के काम में आता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सस्पेंशन सिस्टम के। तो ये आगे देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम के बारे में और डिटेल। सबसे पहले देखते हैं कि एक सस्पेंशन सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इट प्रिवेंट्स द व्हीकल बॉडी एंड रो व्हीकल फ्रेम फ्रॉम द रोड शॉक। यानी सस्पेंशन का पहला काम जो हमने डिस्कस किया कि ये जो रोड के शॉक्स है वो व्हीकल बॉडी पे या पैसेंजर पर नहीं आने देता, ये व्हीकल को सेफ रखता है रोड शॉक से। देन इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द व्हीकल। अब देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो सस्पेंशन सिस्टम रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है वो तो काम है ही है, पर सबसे जरूरी काम जो है सस्पेंशन का वो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी कैसी, ये जो सस्पेंशन है वो आपके व्हील के ऊपर एक टेंशन अप्लाई कर करता है और वो सस्पेंशन को आपके ये जो सस्पेंशन है जो व्हील्स होते हैं आपके व्हीकल के उनको रोड के साथ कांटेक्ट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सस्पेंशन क्या करता है, व्हील को रोड की ओर ढकेल के रखता है, टेंशन क्रिएट करता है सो दैट कि आपके जो गाड़ी के चारों व्हील है वो रोड के कांटेक्ट में रहे, और वो जितना ज्यादा आपके व्हील रोड के कांटेक्ट में रहेंगे उतना अच्छा आपके व्हीकल की स्टेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा आपका व्हीकल स्टेबल रहेगा। तो ये व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के काम में आता है। देन इट सेफगार्ड द पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम रोड शॉक्स। तो ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसका काम क्या है, व्हीकल और पैसेंजर के कंपार्टमेंट को जो आपके मटेरियल आप व्हीकल में कैरी कर रहे हो उसको टूटने से बचाता है, उसके ऊपर रोड शॉक्स नहीं लगने चाहिए। तो ये पैसेंजर को कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर सस्पेंशन नहीं होगा और आप किसी गाड़ी में ट्रैवल करेंगे तो रोड के पूरे झटके आपको मिलेंगे एंड इट विल नॉट बी अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर यू टू कैरी ऑन इन दैट व्हीकल। देन इट गिव्स द गुड रोड होल्डिंग व्हाइल ड्राइविंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका जो व्हील है उसको रोड के साथ में होल्ड करके रखता है। जब आप ब्रेक कर रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो या फिर टर्न व्हीकल जब कर रहे हो तब भी ये व्हीकल को स्टेबल रखने के काम में आता है। देन इट प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट, यानी आपको रोड के शॉक से एब्जॉर्ब करके आपको कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है एंड देन इट प्रोवाइड फाइनली कम्फर्ट। तो ये सारी चीजें करने का असर क्या है,
कि आपको कंफर्ट मिलता है आपके व्हीकल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। तो इट इंक्रीजेस द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्टेबल आपको रखता है गाड़ी चलाते समय, बैठने गाड़ी में ट्रैवल करते समय। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं एक सस्पेंशन सिस्टम के। तो अभी तक हम लोगों ने जब भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हम यही सुनते हैं कि सस्पेंशन रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है, पर उससे ज्यादा सस्पेंशन का काम ये होता है कि व्हीकल को रोड से होल्ड करके रखे, यानी आपकी व्हील को रोड के कॉन्टेक्ट में रखने का काम भी सस्पेंशन करता है। और याद रखिए, जितना ज्यादा आपका व्हील रोड के कॉन्टेक्ट में रहेगा, जितना अच्छा कॉन्टेक्ट में रहेगा, उतना व्हीकल स्मूथ चलेगा, उतना आपके व्हीकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये कॉन्टेक्ट में रहने से ही आपका फ्यूल इफिशियंसी भी बढ़ता है। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। आगे देखते हैं कि एक अच्छे सस्पेंशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक अच्छे सस्पेंशन सिस्टम में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला है, देयर शुड बी मिनिमम डिफ्लेक्शन, यानी आपका सस्पेंशन, अब देखा सस्पेंशन किस तरह से काम करता है। अगर आपका व्हीकल किसी गड्ढे में जाता है तो आपके जो सस्पेंशन की स्प्रिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपांड होते हैं। तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन होता है सस्पेंशन का, वो कम से कम होना चाहिए, यानी उसमें मोशन बहुत कम रहना चाहिए, और जितना कम मोशन रहेगा उतना अच्छा आपका सिस्टम माना जाएगा। उसके बाद इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा कॉस्टली नहीं रहना चाहिए। इसका खुद का जो वेट है वो बहुत ही कम रहना चाहिए, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इट शुड हैव अ लो मेंटेनेंस एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये भी बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट होती है कि सस्पेंशन सिस्टम का मेंटेनेंस कम रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जब ये आपके व्हीकल को व्हील को ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में रखता है, रोड के कॉन्टेक्ट में रखता है, तो आपके टायर का वियर कम से कम होना चाहिए, टायर वियर कम होना चाहिए, ये भी आपके सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सस्पेंशन सिस्टम, यानी ये क्वालिटीज एक अच्छे सस्पेंशन सिस्टम में होनी चाहिए। सो अब देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सस्पेंशन। तो जब सस्पेंशन सिस्टम काम करता है तो किस तरह से काम करता है वो हम लोग देखते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म होती है जिसके ऊपर आपके सस्पेंशन सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो इसमें यह सबसे पहली टर्म है जाउंस। जाउंस यानी क्या होता है, जब आपका सस्पेंशन सिस्टम किसी गड्ढे में जाता है या किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाता है, तो क्या होता है, सस्पेंशन सिस्टम पहले कॉम्प्रेस्ड होता है, ओके, और उसके बाद वो एक्सपांड होता है। तो जो जब आपका सिस्टम किसी स्पीड ब्रेकर पे जाएगा और वो कॉम्प्रेस्ड होगा कुछ समय के लिए, उस मोमेंट को हम लोग जाउंस बोलते हैं, ओके। उसके बाद आता है रीबाउंड। अब यहाँ पे जैसे ही आपका सिस्टम एक बार कॉम्प्रेस हो गया, एक्सपांड हो गया, और उसके बाद जो मोमेंट होता है उसको रीबाउंड बोलते हैं। सो द मोशन of a wheel that extend the suspension, यानी जब आपका wheel compress होने के बाद expand होता है। अब ये दो समय हो सकता है, एक या तो आपका vehicle किसी गड्ढे में जब जाता है तो आपका suspension system expand होता है, या फिर जब आपका suspension system speed breaker पर जाने के बाद वो expand होता है, तो उसको rebound बोलते हैं, okay? ये क्या होगा, ये basically the opposite of जाउंस और कॉम्प्रेशन स्ट्रोक का ऑपोजिट होता है। उसके बाद आता है स्प्रिंग रेट। अब सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग होती है, अलग अलग टाइप के स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये कंपोनेंट होता है, ये डेफिनेशन होती है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वेट नीडेड टू कॉम्प्रेस अ स्प्रिंग ऑफ सर्टेन डिस्टेंस, ओके। तो एक पर्टिकुलर स्प्रिंग है, उसको कॉम्प्रेस करने के लिए कितने वेट की जरूरत है उसको बोलते हैं स्प्रिंग रेट। तो अलग अलग स्प्रिंग रेट की आपको स्प्रिंग मार्केट में मिलती है, और अलग कंडीशन में आपके व्हीकल का वेट कितना है उसके हिसाब से हम लोग स्प्रिंग का डिजाइन सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपके टू व्हीलर में आपने देखा होगा कि पीछे का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वहां पर स्प्रिंग लगी हुई होती है, वो कॉइल स्प्रिंग रहती है, तो उसका स्प्रिंग रेट अलग होगा। बड़े व्हीकल में जब आप कॉम्प्रेसर स्प्रिंग यूज कर रहे हो तो उसका वेट डिफरेंट होगा। तो ये बेसिकली स्प्रिंग की जो है वो प्रॉपर्टी को रेट करने का तरीका है।
इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर एमएम में कर की जाती है, एंड ये स्पेसिफिकली कितना केजी के लिए कितना न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है किसी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने के लिए, कितनी ताकत लग रही है, कितना वेट आपको स्प्रिंग को लगाने के लिए कॉम्प्रेस करने के लिए लगता है, वो डिफाइन करती है। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी। ये सबसे जरूरी चीज है। जब आप किसी चीज को कॉम्प्रेस करते हैं तो वापिस से जैसे आपने किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाया वो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती है, या फिर आप उसको एक्सपांड भी कर सकते हो, तो आप फोर्स लगा रहे हो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो उसके बेस पे क्या होगा, आपका स्प्रिंग या तो कॉम्प्रेस होगा या एक्सपांड होगा। और ये होने के बाद आपका स्प्रिंग जब आप फोर्स हटा देते हो तो वापस से अपने शेप में आ जाता है। सो ये जो एबिलिटी होती है टू रीगेन दैट शेप, आपका जो ओरिजिनल शेप है उसको वापस से रीगेन करने की जो एबिलिटी होती है आपके मटेरियल की या फिर सिस्टम की, उसे कहा जाता है आपका इलास्टिसिटी। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टी में भी हम लोग इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, कुछ और डेफिनेशन है जो हम लोग अभी देखेंगे। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि देखिए यहाँ सस्पेंशन सिस्टम किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये आपका रोड सरफेस है जिसके ऊपर, यहाँ आपको रोड सरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ आपके व्हील लगे हुए है, व्हील के ऊपर यह सस्पेंशन सिस्टम है और उसके ऊपर आपके व्हीकल का पूरा लोड आता है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन हम लोगों को देखना है। सबसे पहला स्प्रिंग वेट। स्प्रिंग वेट क्या होता है? इट इज द वेट ऑफ ऑल द पार्ट सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग इंक्लूडिंग वेट ऑफ द स्प्रिंग। यानी ये स्प्रिंग के ऊपर है, स्प्रिंग का भी वेट और ये पूरा वेट जब यहाँ पे आता है नीचे की ओर एक्ट करता है तो उस वेट को बोलते हैं स्प्रिंग वेट। तो स्प्रिंग क्या होगी? खुद का वेट भी रहेगा स्प्रिंग के ऊपर, उसके बाद व्हीकल का पूरा लोड जिसके अंदर पैसेंजर्स का भी लोड आएगा, आपके सारे पार्ट्स का लोड आएगा, जो कंपोनेंट्स आपके व्हीकल में लगी हुई है उन सबका लोड अल्टीमेटली कहाँ पर आएगा? स्प्रिंग, आपके स्प्रिंग के ऊपर, सस्पेंशन के ऊपर। और सस्पेंशन का एक फाइनल या बोल सकते हैं कि मिनिमम डिफ्लेक्शन आपके सस्पेंशन को मिलता है, यानी जब व्हीकल चलते रहेगा तब भी सस्पेंशन के ऊपर कुछ ना कुछ लोड रहेगा, तो वो जो वेट आता है सस्पेंशन के ऊपर वो होता है अनस्प्रंग वेट। उसके बाद जब व्हीकल चलने लगता है और जब व्हीकल चलते रहता है तो क्या होगा, आपके व्हीकल के ऊपर कंटिन्यूअसली अलग अलग टाइप के रोड व्हील की वजह से लोड आएंगे और वो जो लोड आता है वो सस्पेंशन के ऊपर आएगा, एंड दैट लोड इज नोन एज अनस्प्रंग वेट। तो दो टाइप का लोड रहता है, आपके व्हील के ऊपर किस तरह से लोड आ रहा है, तो व्हीकल के जब व्हीकल चल नहीं रहा है तब उस पर जो लोड आ रहा है वो अनस्प्रंग वेट है, और जब गाड़ी चलती रहती है रोड सरफेस के ऊपर कॉन्टैक्ट होता है तो उसके ऊपर और लोड आता है तो वो होता है अनस्प्रंग वेट। तो ये दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है किसी भी सस्पेंशन सिस्टम के। तो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने तो देखा कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वो हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले लिस्ट बनाई थी फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम की, उसके बाद एक अच्छे सस्पेंशन सिस्टम में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम लोगों ने देखा है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स डिफाइन की थी जो सस्पेंशन सिस्टम से रिलेटेड थी, जैसे कि जाउंस, रिबाउंड, अनस्प्रंग एंड स्प्रंग वेट। सो ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर के। आगे देखते हैं पीओ पीएसओ मैपिंग हमने क्या किया किया था। तो हमारा पीओ 1 यहाँ पर अटेंड होता है जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, पीओ 4 एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस यहाँ पर हमारा फुलफिल हुआ है। उसके बाद पीओ 7 हमारा फुलफिल हुआ है जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और पीएसओ 2 ये जो नॉलेज हम लोगों ने गेन किया है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट को जो सस्पेंशन से रिलेटेड है उनको मेंटेन करने के काम में आएगा। तो ये हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि सस्पेंशन सिस्टम के बेसिक्स क्या होते हैं, आगे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि रिजिड सस्पेंशन किस तरह से काम करता है। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।